कंसिडर द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन्स। अब इसमें आप लोग ये देख सकते हो कि ये जो कार्बोकेटाइन है, क्योंकि ये तीन कार्बन से कनेक्टेड है, इसलिए कौन सा होगा? 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। यदि हम लोग इसको देखें तो ये कौन सा होगा? 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। यदि हम लोग यहाँ पे देखें तो ये भी कौन सा होगा? 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। और ये कौन सा होगा? 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। ठीक है, अब इंडक्टिव के हिसाब से तो हम लोग यदि इसको देखें तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। लेकिन मैंने जस्ट अभी आपको बताया था कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन अल्फा हाइड्रोजन पे भी क्या करती है? डिपेंड करती है। तो यहाँ यदि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को हम लोग देखें तो अल्फा हाइड्रोजन के हिसाब से हम लोग इसको चेक करेंगे। अल्फा हाइड्रोजन, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, और जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा उतनी ही कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या होती है? बढ़ती है। तो इसमें यदि हम लोग चेक करें, सबसे पहले अल्फा हाइड्रोजन हम पहले वाले एटम में चेक करते हैं। यहाँ 3 डिग्री कार्बोकेटाइन दिया हुआ है, पॉजिटिव चार्ज के पड़ोस वाला कार्बन हमें चेक करना है। ठीक है, कौन कौन सा अल्फा कार्बन है? ये वाला कार्बन अल्फा, ये अल्फा, और ये वाला जो कार्बन है ये अल्फा। ठीक है, इसमें कितने हाइड्रोजन अटैच्ड है? अल्फा कार्बन से एसोसिएटेड हाइड्रोजन, दैट इज कॉल्ड अल्फा हाइड्रोजन। तो 3 और 2 5 और 2 7, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 7 अल्फा हाइड्रोजन। इसमें यदि हम लोग चेक करें तो एक ये वाला कार्बन अल्फा है और एक ये वाला कार्बन अल्फा है, और इसमें एक ही हाइड्रोजन अटैच्ड है, तो टोटल यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हुए? 3 अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग इसमें चेक करते हैं, इस तरीके से हम लोग इसका अल्फा हाइड्रोजन चेक करेंगे, ये कार्बन अल्फा और ये कार्बन अल्फा। तो इसमें टोटल जो अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए, दैट विल बी द 4 अल्फा हाइड्रोजन। और यदि इसमें हम लोग चेक करें 1 डिग्री में, तो इसके जस्ट पड़ोस वाला ये कार्बन अल्फा, और इसमें केवल एक ही अल्फा हाइड्रोजन है, तो सबसे ज्यादा जो अल्फा हाइड्रोजन की संख्या है वो किसमें है? फर्स्ट वाले मॉलिक्यूल में, फर्स्ट वाले पार्टिकल में। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं फर्स्ट वाला सबसे ज्यादा क्या होगा? स्टेबल। देन फिर उसके बाद क्या होगा? 3 वाला स्टेबल होगा। ठीक है, फिर उसके बाद 2 वाला स्टेबल होगा। देन फिर उसके बाद सबसे कम स्टेबल होगा 4। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं 1, 3, 2, 4 हमारा ऑप्शन आना चाहिए, मतलब कि बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है,